ऑलराइट, अब हम करेंगे सबसे इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जिसका नाम है स्केलिंग। और काफ़ी लोगों की रिक्वेस्ट आ चुकी है कि स्केलिंग का फॉर्मूला क्या है, कैसे यूज़ करनी है। तो इस वीडियो में हम स्केलिंग सीखेंगे कि कैसे हमने इनपुट की स्केल करके आउटपुट पे स्केल्ड वैल्यू देनी है। ओके तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मूला है वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें डी आपका रिजल्ट है। अगर आपको स्केलिंग के बारे में नहीं पता, मैं आपको थोड़ा पहले ग्राफ समझाता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपकी सोर्स वैल्यू आ रही है 0 से 100। ओके ये आपकी सोर्स वैल्यू है, और ये सोर्स वैल्यू किसी सेंसर से आ सकती है। आपके पास सपोज एनालॉग टाइप सेंसर है, और सबसे बेसिक एग्जांपल लेना तो आप पोटेंशियोमीटर का ले सकते हो। आपके पास पोटेंशियोमीटर है जिसमें आप डिफ्लेक्शन देते हो, और आपने ये पोटेंशियोमीटर ए टू डी कन्वर्टर में लगाया हुआ है अपने पीएलसी में, और आपके पास डिजिटल रेंज आ रही है कुछ। सो लेट्स से उसकी रेंज 0 to 100 है, बट आपको आउटपुट रेंज चाहिए 0 to 30, मे बी 30%। ओके मे नॉट 30% ऑफ इनपुट, बट आपको आउटपुट रेंज सिर्फ 0 to 30 में ही दिखानी है। तो उस केस में अगर आपका इनपुट पोटेंशियोमीटर 0 होगा तो आउटपुट भी 0 होगा। अगर ये 100 होगा यानी कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन पे होगा तो आउटपुट 30 आएगी। ओके बट अगर ये मिड पॉइंट पे होगा 50 पे, तो आउटपुट 15 आएगी। तो ये एक तरह की स्केलिंग होगी। सेकंड एग्जांपल देखते हैं। आपके पास सोर्स इनपुट है, इसमें हमारे पास इनपुट है फ्रॉम 200 to 3000। ओके सो इसमें भी आप कोई एनालॉग सेंसर का एग्जाम्पल ले सकते हो जिसमें आपकी रेंज 200 से 3000 आ रही है, और 200 से नीचे डेड बैंड है, तो उस रेंज का कोई मतलब नहीं है। आपको मिनिमम आपकी रेंज 200 है और मैक्सिमम आपकी 3000 है। आपको इस रेंज को स्केल करना है 30 to 500 के बीच में, जिसमें कि अगर इनपुट 200 है तो आउटपुट 30 हो, इनपुट 3000 है तो आउटपुट 500 हो, और इनपुट अगर 1500 है तो हमें कैलकुलेट करना है कि आउटपुट क्या होगी। वो हम स्केलिंग फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे। सिमिलरली एक और एग्जाम्पल लेते हैं, दिस इज़ इन्वर्स स्केलिंग। यहाँ पर इनपुट आपका इंक्रीज कर रहा है 200 से 3000, बट आउटपुट आपका डिक्रीज कर रहा है फ्रॉम 500 to 30। और अगर इसको मैं ग्राफ को थोड़ा सा, ये मैंने थोड़ा गलत बना दिया, इसको अगर प्रॉपर वे में मुझे बनाना है, सॉरी फॉर दैट, तो ये ग्राफ ऐसे बनेगा आपका 30 to 500, एंड आई टेक हियर, सॉरी दिस इज 30 500, और ये आपका इन्वर्स स्केलिंग कैसे हुआ, बिकॉज अगर इनपुट 200 है तो आउटपुट 30 होगी, और अगर इनपुट 3000 है, मतलब इनपुट इंक्रीज करिए तो आउटपुट, ओप्स सॉरी आई रिपीट द सेम थिंग, इनपुट अगर आपका 200 है तो आउटपुट आपका, ओ सॉरी ये थोड़ा मैंने गलत बना दिया। तो इनपुट अगर आपका 200 है, आउटपुट आपका 500 होना चाहिए इस केस में। ओके तो ये ऐसे बनेगा, और इनपुट अगर इंक्रीज कर रहा है 3000 पे तो आउटपुट 30 होना चाहिए, लाइक दिस। तो हमारे पास जो पॉइंट्स आए यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन, इसको आप ज्वाइन कर दो, तो ये आपका स्केल डिक्रीज कर रहा है। और यहाँ पे अगर इनपुट आपका 1500 है तो हमें कैलकुलेट करना है तो आउटपुट क्या होगी। दिस इज़ वन एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल हो सकता है जिसमें आपका इनपुट माइनस में है, आपकी रेंज -2000 से +2000 की रेंज है। यू कैन टेक एग्जांपल ऑफ अ जॉयस्टिक। जॉयस्टिक एक एनालॉग इनपुट है जो हम पीएलसी पे लगा सकते हैं, और इसकी जो डायरेक्शन से हम वैल्यूज ले सकते हैं। अगर ये एक्सट्रीम लेफ्ट डायरेक्शन पे है, लेट्स सपोज ये -2000 वैल्यू दे रहा है, एक्सट्रीम राइट पे 2000 वैल्यू दे रहा है। वैल्यू एक्चुअली ये वोल्टेज में देता है, बट पीएलसी के अंदर कन्वर्जन करने के बाद सपोज ये वैल्यूज आ रही है हमारे पास, तो इसको हमने स्केल करना है अगेन 0 to 100 पे। तो वो कैसे करेंगे, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसको हम वेरीफाई भी करेंगे। अब फॉर्मूले पे आते हैं। स्केलिंग का फॉर्मूला क्या बोल रहा है कि रिजल्ट इज इक्वल टू मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू। अब डेस्टिनेशन यहाँ पे मैंने डी लिखा हुआ है। मैक्सिमम डेस्टिनेशन फॉर दिस यहाँ पे हो गया 30। ओके मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू यहाँ पे होगी 0 इस केस में। ओके यहाँ पे मैक्सिमम हुई 500, मिनिमम हुई 30, बिकॉज हमारा ग्राफ यहाँ से शुरू हो रहा है। तो ये दो वैल्यू का सब्ट्रैक्शन करना है, उसके बाद मैक्सिमम सोर्स वैल्यू माइनस मिनिमम सोर्स वैल्यू। मिनिमम सोर्स वैल्यू यहाँ पे 100 है, मैक्सिमम सोर्स वैल्यू 0 है, मैक्सिमम सोर्स वैल्यू 100 है। और यहाँ के केस में मिनिमम सोर्स वैल्यू आपका 200 है, मैक्सिमम सोर्स वैल्यू 3000 है। ओके तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि जो वेरिएबल्स मैंने यहाँ लिखे हैं ये चार्ट में कहाँ है, सो दैट आपको पता हो कि आपने कैसे इसको कैलकुलेट करना है। देन आता है सोर्स वैल्यू। सोर्स वैल्यू आपकी होती है इनपुट वैल्यू। अभी हमने सिर्फ लिमिट्स डिफाइन करी है यहाँ पे, मिनिमम एंड मैक्सिमम।
अब जो एक्चुअल सोर्स वैल्यू है वो यहाँ कहीं होगी इस केस में, या किसी भी पॉइंट पे हो सकती है, तो हमारी एक्चुअल सोर्स वैल्यू होगी माइनस मिनिमम सोर्स वैल्यू। अगेन मिनिमम सोर्स वैल्यू यहाँ पे ज़ीरो है, यहाँ पे 200 है, तो ये मिनिमम सोर्स वैल्यू एंड दिस मिनिमम सोर्स वैल्यू सेम, प्लस मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू। मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू जैसे कि यहाँ पे 30 है और यहाँ पे 0 है। तो ये आपको फॉर्मूला आपको पीएलसी में लिखना है, आपको मैथमेटिकल इंस्ट्रक्शन से सॉल्व करना है, उसके बाद आपकी स्केलिंग कंप्लीट है। ओके तो इस एग्जांपल को चलो वेरीफाई करते हैं। अब मैंने यहाँ पे एचएमआई की एक स्क्रीन बनाई हुई है, उससे पहले मैं अगर आपको पीएलसी दिखाऊं, ये पीएलसी का फॉर्मूला है और ये कमांड्स आपने की हुई है। डी सब्ट्रैक्शन आपका एक सब्ट्रैक्शन कमांड है, ये भी सब्ट्रैक्शन कमांड है। अब ये मैंने यहाँ पे डी फ्लोट इसलिए लिखा है बिकॉज यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करो, यहाँ देखो, यहाँ पे अगर आप कैलकुलेशन करोगे, लेट्स टेक दिस मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू, यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, ये डिवाइड हो रहा है, और डिवाइड होने के बाद अगर आपका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से स्मॉल है, किस केस में होगा? आपका न्यूमरेटर डेस्टिनेशन वैल्यू जैसे कि ये है, इसका अगर मैं कैलकुलेट करूँ, मैक्सिमम डेस्टिनेशन 30 माइनस 0, सोर्स इज 100 माइनस 0, दिस इज 30 डिवाइडेड बाय 100, ओके, इसका रिजल्ट आया 0.3, ओके, डिवाइड करने के बाद, अगर मैं फ्लोट नहीं यूज़ करता तो पीएलसी इसको 0 ले लेगा, ओके, पीएलसी इसको 0 मानेगा अगर मैं फ्लोट नहीं यूज़ करता, इसलिए मैंने फ्लोट यूज़ किया यहाँ पे। तो मैंने सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो डी 100 है उसको फ्लोट में कन्वर्ट किया, डी 200 में डाला, इसको सब्ट्रैक्ट किया, इसका फ्लोट कन्वर्ट करके डी 205 में डाला। अब ये फ्लोटिंग का मैंने डिवीजन किया, तभी यहाँ मैंने डी ई लिखा हुआ है, और आंसर डी 20 में आया। अब मेरे पास आंसर फ्लोटिंग में आया, उसको फिर मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पे, किसके साथ मल्टीप्लाई किया? सब्ट्रैक्शन ऑफ सोर्स वैल्यू माइनस मिनिमम सोर्स वैल्यू, ये टैबलेट पे आप देख सकते हो, इसके सब्ट्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई किया। तो पहले यहाँ सब्ट्रैक्ट किया मैंने इसको, सब्ट्रैक्ट करने बाद इसका भी फ्लोट निकाला बिकॉज मल्टीप्लीकेशन में दोनों फ्लोट वैल्यूज चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके डी 140 में डाला। उसके बाद ये फ्लोट को मैंने दोबारा इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया बिकॉज इन द एंड हमारा रिजल्ट इंटीजर में आएगा, तो हमने उसको ऐड किया हुआ मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू से। ओके तो ये बेसिक सा एग्जांपल है, ये मैं आपको कोर्स में डाल दूंगा लिंक, अगर आपको चाहिए आप डाउनलोड कर सकते हो। और ये मैंने यहाँ पे एचएमआई बनाई है, तो इस एचएमआई को मैं एग्जीक्यूट करता हूँ और मैं आपको फ्लोटिंग स्केलिंग का एग्जाम्पल बताता हूँ। अब फर्स्ट एग्जाम्पल को वेरीफाई करते हैं। यहाँ पे हमारा है सोर्स वैल्यू मिनिमम, देखो 0 है, तो मिनिमम सोर्स वैल्यू मैं यहाँ 0 डाल देता हूँ, और मैक्सिमम सोर्स वैल्यू हमारी 100 है, तो यहाँ पे मैं 100 डाल देता हूँ, और मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू 30। ओके ये हो गया 30। अब ये देखो, जब मेरी इनपुट वैल्यू 0 है, 0 इनपुट वैल्यू, आउटपुट 0 है, दैट्स फाइन, हमारा चार्ट में ठीक है। अब मैं जैसे इसको प्रोपोर्शनल इंक्रीज करके 50 पे लाता हूँ, तो मेरी आउटपुट आ रही 15, दैट इज़ ऑल्सो करेक्ट है। अगर मैं यहाँ दिखाऊँ आपको, ये पॉइंट करेक्ट है, ये पॉइंट करेक्ट है। अब मेरा मिनिमम सोर्स, जो सोर्स है, अगर मैं 100 लेकर जाता हूँ तो आउटपुट 30 आएगा, तो ये भी करेक्ट है। तो हमारा ये ग्राफ वेरीफाई हो गया इस फॉर्मूले के साथ जो हमने क्रिएट किया अपने पीएलसी में। सेकंड पे आते हैं। अब सेकंड में वो बोल रहा है मिनिमम सोर्स वैल्यू 200 है, तो मैं यहाँ पे 200 ले लेता हूँ, मैक्सिमम सोर्स वैल्यू 3000। अब मिनिमम डेस्टिनेशन इज 30, दिस इज 30, एंड मैक्सिमम इज 500, हो गया 500। अब देखो, जब सोर्स वैल्यू 200 है तो डेस्टिनेशन 30 होना चाहिए, यहाँ पे 30 आया हुआ। अब अगर सोर्स वैल्यू है 1500, मैं यहाँ पे भी डाल सकता हूँ, दिस इज सेम 1500, तो हमारा रिजल्ट आ रहा है 248, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 248, ठीक है, 248 रिजल्ट आया, तो हमारा ये ठीक है, ये ठीक है। अब अगर सोर्स 3000 है, आउटपुट होना चाहिए 500, तो ये भी ठीक है, तो हमारे दो ग्राफ वेरीफाइज हो गए। तो हमारी स्केलिंग होगी 200 से 3000 की इनपुट की रेंज में, आउटपुट हो गया 30 to 500। राइट अब थर्ड में देखते हैं इनवर्स स्केलिंग। हमारा इनपुट सोर्स सेम है, आउटपुट सोर्स में अगर मिनिमम 200 है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए 500, ये इनवर्स है, और यहाँ होना चाहिए 30। अगर मैक्सिमम 3000 है, आउटपुट 30 होनी चाहिए। तो ये देखो, यहाँ पे मैं वापस आता हूँ, 200 पे है मेरा इनपुट, आउटपुट आ रही है 500, तो ये जो हमारा पॉइंट है दैट्स वेरीफाइड। अब अगर इनपुट है हमारी 1500, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, आउटपुट आ रही है 282, वो हम मैं यहाँ लिख देता हूँ। ओके अब अगर इनपुट है मेरा 3000, आउटपुट आ रही है 30, ये भी करेक्ट है।
ओके, तो ये हमारा इन्वर्स स्केलिंग हो गया। अब आते हैं हम फाइनल वाले पे। फाइनल वाले में क्या है, हमारी इनपुट रेंज है -2000 to +2000, तो मिनिमम हो गई हमारी -2000, आउटपुट हो गई +2000 एंड हमारी आउटपुट है 0 to 100, तो ये हो गया 0, ये हो गया 100। अभी स्केलिंग में देखो, जब हमारा -2000 है हमारी आउटपुट आनी चाहिए 0, दैट्स अश्योर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा, अगर इनपुट -1000 है, यहाँ लिख देता हूँ -1000, आउटपुट होनी चाहिए 25, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। अब अगर हमारा अगर इनपुट 0 है, आउटपुट 50 होना चाहिए, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। अब अगर इनपुट 1000 है, आउटपुट इज 75, दैट्स ऑल्सो करेक्ट। और अगर इनपुट 2000 है, आउटपुट इज 100, दैट इज ऑल्सो करेक्ट। सो ये जो हमारा स्केलिंग का फॉर्मूला है, दिस इज क्वाइट रिलायबल, आप इसको यूज़ कर सकते हो। बट आपको ये डिफाइन करना पड़ेगा पीएलसी में, पूरा का पूरा स्केलिंग का फॉर्मूला बनाना पड़ेगा, एंड देन आप इसको कहीं भी यूज़ कर सकते हो। एक यूनिवर्सल आपका फॉर्मूला बना हुआ है स्केलिंग का। ऑलराइट, अगर आपके पास कोई इनपुट रेंज है उसको आपको आउटपुट रेंज में स्केल करना है, तो दिस इज़ द यूनिवर्सल स्टैंडर्ड फॉर्मूला विच यू कैन यूज़। एंड सो दिस वॉज ऑल अबाउट स्केलिंग। अगर कोई डाउट है, कोई आपके प्रोग्राम में कुछ प्रॉब्लम आ रही है, आप प्रोग्राम रेफर कर सकते हो, या और भी कोई डाउट है तो यू कैन कमेंट मी एंड आई विल गेट बैक टू यू। सो हैव अ नाइस डे।